आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती 90 साल के बुजुर्ग ने कोरोना से जंग जीत ली है। इस उम्र में भी बुजुर्ग ने 11 दिनों तक चले उपचार के बाद कोरोना को आज मात दे दी। बुजुर्ग की जांच रिपोर्ट आने के बाद आज उन्हें डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी दे दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें रीवा के 90 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना को मात दे दी है। बताया गया कि 25 जून को संजय गांधी अस्पताल में कोरोना रिपोर्ट आने के बाद बुजुर्ग को भर्ती किया गया था। यह शहर से लगे अटरिया गांव के रहने वाले हैं। बता दें कि कोरोना को मात देने वाले बुजुर्ग का बेटा बाहर से आया था जो कोरोना पॉजिटिव था और पुत्र के संपर्क में आने के कारण भी पिता कोरोना की चपेट में आ गए थे। लेकिन अब राहत की बात यह है कि पूरा परिवार स्वस्थ है। वहीं बुजुर्ग के कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आज संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी देकर खुशी जाहिर की है। सर, आज एक कोरोना योद्धा कोरोना मुक्त हुए हैं। इनको भी हमारे यहाँ 25 तारीख से एडमिट हुए थे और आज ये स्वस्थ होकर के इनको घर भेजा जा रहा है। हमारे शरीर में सब जगह मालूम किया गया कि ये सबसे वयोवृद्ध हैं जिनको ठीक उपचार के बाद ठीक हुए। ये हमारे संस्था के लिए हॉस्पिटल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। सर, ये कहाँ से आए थे? उचारिया गाँव के। इनका बेटा भी हॉस्पिटल में भी जा ठीक करके भेज रहे हैं। 90 साल के बुजुर्ग हैं और बड़ी खुशी मन में हो रही होगी कि मैंने विदाई करने के लिए हम लोग सभी आए हैं क्योंकि इतने बुजुर्ग हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। अब उनके लिए बड़ा अच्छा रहा कि इसलिए हमका इलाज इनको काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इनके परिजन नहीं आए डॉक्टर साहब? इनके परिजन भी बीमार थे, कोविड से इनका बेटा भी भर्ती था, अभी इसको छुट्टी दिया गया है। अब उनके दूसरे रिलेटिव को बुलाया गया। ये माना जा सकता है कि ये प्रदेश में सबसे बुजुर्ग कोरोना योद्धा कहलाएंगे।